हेलो वेलकम इन घुमाकर पहाड़ी सेमवाल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हैंडिंग पे। मैंने जैसा आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी बुलेट मॉडिफाई कराई है, लेकिन मैंने उसमें वाइब्रेशन रॉड डाली थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा हैंडल चेंज कराया। इसमें इनबिल्ड पूरी वाइब्रेशन रॉड आती है, एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ती, तो वाइब्रेशन मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो मैंने हैंडल चेंज कराया है, करोल बाग से चेंज कराया था, 900 प्लस 200 1100 का मुझे पूरा नया हैंडल पड़ा था। तो आप पूरा वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। भाई ने अपना हैंडल नहीं, बुलेट का हैंडल चेंज कराया, इसका हैंडल बिल्कुल ठीक है। हेलो वेलकम इन घुमक्कर पहाड़ी सेमवाल। एक बार हम फिर जा रहे हैं करोल बाग अपने काम कराने। मैं अपना हैंडल चेंज करा रहा हूँ। कौन सा भैया है हैंडल? हाँ जी, RD 350 SS का है। इसमें जंक नहीं लगेगा जैसे भैया बता रहे हैं, अभी आपको निकाल के दिखा देंगे। फिलहाल इसमें बहुत सारे स्विचेज हैं, ये पहले रिमूव होंगे, उसके बाद इसमें देखिए मोबाइल चार्जर है, 3-4 स्विच हैं, ये सारी एक्सेसरीज है, ये निकलेगी। क्योंकि हैंडल थोड़ा सा ऊंचा करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है हाइट का, तो हम हैंडल चेंज करा रहे हैं। ये भैया हैंडल चेंज कर रहे हैं, देखिए सारे स्विच निकलेंगे, ये सारा, क्योंकि जो मेरा पोस्टर आ रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए हैंडल चेंज कराना पड़ेगा। तो इसमें जो हैंडल है उसमें फर्क आएगा, फिर इसमें पोस्टर में बहुत फर्क आएगा, थोड़ा बाइक भी चल जाएगा, पोस्टर जैसे मेरा थोड़ा सा झुक रहा था, उसके बाद एकदम परफेक्ट आ जाएगी। फिलहाल देखिए ये सारे स्विच निकलेंगे, कितने होंगे टोटल भैया स्विच? 3 स्विच है, और बाकी कितना क्या क्या निकलेगा? बाकी सारा निकलेगा, जितना हैंडल पे सामान है सब निकलेगा। फिलहाल देखिए सारा सामान निकलेगा, तो एक घंटा देखिए कम से कम लग जाएगा, और थोड़ा पोस्टर भी ठीक हो जाएगा। भैया पूरी मेहनत से कर रहे हैं ताकि कोई भी पार्ट छूट ना जाए, क्यों भैया? तो भैया कह रहे हैं ये फिलहाल जो मेरी ग्रिप है हैंड की, स्पीड और गली, ये ठीक है भैया एकदम? अगर ये पूरा खींच जाता है तब लगाना चाहिए। कैसे, इसमें बताइए कैसे? ये जो ये लाइन दिख रही है पूरा खींच जाने चाहिए तब लगानी चाहिए। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं जो ये लाइन खत्म हो जाती है, घिस जाती है, तब ये चेंज कराना चाहिए, अदरवाइज नहीं करानी चाहिए, ठीक है ना भैया? देखिए भैया कितनी मेहनत लग रही है भैया, फुल। थोड़ा सा पहली बार ही निकल रहा है, इसे थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो भैया ने इसमें मारेंगे पानी का फुहारा, इसे क्या होगा, निकल जाएगा, ढीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, स्लिप होके निकल जाएगा आराम आराम से। ये निकाल लिया है, बड़ी मुश्किल से निकला है। बहुत सारे पेच है भैया इसमें। हाँ जी, तो गाइस देखिए जब हैंडल निकलता है तो कम से कम 20 पेच, पता नहीं क्या क्या चीज़ निकलता है, तो उस पर टाइम लगता है। तो फिटिंग प्रॉपर वैसी हो जाएगी? हाँ जी, प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर भैया कह रहे प्रॉपर फिटिंग। ये मेरा पुराना हैंडल है, देखिए थोड़ा सा पोस्टर में दिक्कत आ रहा, इसे चेंज करा रहा हूँ। ये देखिए निकल गया है मेरा हैंडल पूरा। कौन सा? RD 350 SS पे, इसमें जंग नहीं लगेगा गाइस, जैसा कमल भैया ने बताया, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो गाइस ये है हैंडल, ये लगेगा, देखिए पूरा पैक देखिए, टेपिंग लगी हुई है, इसमें जंक नहीं लगेगा, जंग लगा तो वापस। तो वारंटी में कितने साल की? एक साल की वारंटी, एक साल की वारंटी है, कोई जंक नहीं लगेगा, फुल रिप्लेसमेंट।
थोड़ा जोर लगा के भैया जल्दी कर रहे हैं। तो फिटिंग इसकी एकदम परफेक्ट रहेगी ना? एकदम परफेक्ट फिटिंग होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना फिटिंग में? लग चुका है एक साइड का ग्रिप, भैया स्विचेस लगा रहे हैं। फिटिंग हो रही है, बस 15-20 मिनट में और हो जाएगा गाइस। भैया लगे पड़े हैं बहुत देर से, सारे स्विचेस लगेंगे, सारे क्लच वगैरह सारी चीज़ें वापस वैसी असेंबल हो जाएंगी जैसे पहले थी। फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा, एकदम ओरिजिनल फिटिंग आएगी। देखिए भैया जो ये ग्रिप आप लगा रहे हैं ये हर हैंडल में फिक्स हो जाती है जो आपके ये खुद के होते हैं? हर हैंडल में कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे कहो वैसे फिटिंग होती है। देखिए जैसे मैंने एमसी कवर लगाया था ये वापस लग रहा है। सर ग्रीस लगा रहे हैं? हाँ ग्रीस लगाने से क्या होगा, कलर सही चलेगा। तो भैया देखिए आप ऐसा नहीं है कि काम यहाँ प्रॉपर होता है, देखिए उनको लगा कि इसमें थोड़ा ग्रीस कम है तो लगा रहे हैं ताकि जो हार्ड के लिए ना चले, हार्ड ना चले अच्छा कि क्लच हार्ड ना चले इसे थोड़ा ग्रीस लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं होता, रॉयल बुलेट एसेसरी वर्ल्ड में सबसे खास बात यह है कि बिना बोले जो कमी दिखती है वो खुद ही पूरी कर देते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भैया ने बताई है कि जब आपका हैंडल चेंज होता है तो तार की जो लेंथ है टंकी के नीचे से ले तो थोड़ा सा इधर से उधर करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हैंडल चेंज हुआ है। तो कोई इशू तो नहीं होता भैया? तार ओरिजिनल ही है, उसको कोई छेड़खानी की नहीं की है, बस थोड़ा सा उसकी मूवमेंट इधर से उधर कर दी है। ये मैंने मोबाइल कवर सेंटर में लगा दिया जिससे कि पूरा वीडियो एक मोबाइल से मैं बना लूँगा, सेंटर में रहेगा वीडियो। तो आप बीच बीच में अभी देखेंगे तो एक वीडियो आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। तो गाइस मैंने अभी चेंज करा दिया अपना हैंडल, क्यों हैंडल चेंज कराया क्योंकि मेरा पोस्टर है वो ठीक नहीं हुआ था, मुझे झुकने में दिक्कत हुई, तो सजेस्टिव नया हैंडल लगाया। क्यों कपिल भाई? मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भाई ने अपना हैंडल नहीं बुलेट का हैंडल चेंज कराया, इसका हैंडल बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरा हैंडल ठीक है, बुलेट का हैंडल चेंज कराया है और पोस्चर ठीक करने के लिए हमने RD350 स्टेनलेस स्टील लगाया है। और अब मैं आशा करता हूँ कि जब ये भाई मेरा राइड करेगा तो जरूर मिलेगा। वाह कमल भाई वाह। और एक चीज़ और कंफर्म करनी थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपका पूरा मतलब दिखाया था सेटअप कि मैंने अपने बुलेट में क्या सामान लगाया, जो उसमें आप कह रहे थे कि क्लैंप वगैरह है जो पूरा कुछ ऐसा होता है कि जो वायरिंग लगती है जब हम गाड़ी में फिटिंग करते हैं, वायरिंग के बाद क्लैंप्स लगते हैं, नट बोल्ट्स लगते हैं, टेपिंग होती है, उसमें टाई बेल्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हम उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। कई बार बंदा ये सोचता है अरे 1400 रुपये कितनी बढ़ जाता फिटिंग, वो सिर्फ फिटिंग के पैसे नहीं है, वो जो है आपकी जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को मक्कड़ पहाड़ी सेमवाल। बहुत अच्छी हैंडलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, मुझे लगा था कि मुझे अपनी सीट भी चेंज करानी पड़ेगी, फिलहाल मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे सीट कराने की चेंज कराने की ज़रूरत है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है।